है जी दूसरी टनल। चलो यहाँ पे बने हैं जी हनुमान जी। क्या ही लाजवाब कृष्ण है ना कुदरत का। इसको बोलते हैं जी जन्नत, मतलब अलग ही दुनिया है यहाँ तो चलता नहीं के पास। भगवान का नाम लेते हैं, निकलते हैं हर महादेव। ठीक है मम्मी, ठीक है। तो जी टाइम हो चुका है सुबह के 5:29, घर से गए हैं जी निकल भगवान का नाम लेके। कम से कम 2.5-3 मिनट के बाद राइड कर रहा हूँ आज मैं, एक्साइटमेंट लेवल तो पूरा है। इस बार मैं हंस के साथ राइड कर रहा ₹900 का। पहला फ्यूल अप हो चुका है, पेट्रोल आया जी ₹710 का। अब सिर्फ यूजर रैली करवाने वाली वो भी कोई ना चल रहा जी ये है जी अपना लाइनअप, इंटरसेप्टर, क्रैम, डोमिनार, रॉयल एनफील्ड और ये अपनी राम प्यारी। ये जी निकलते हैं आप, टाइम हो चुका है 6:23, ऑफिशियली राइड हो चुकी है जी स्टार्ट। हर हर महादेव। तो जी 150 किलोमीटर चला ली थी बाइक, ये खड़ी है जी बाइक। ये है जी ढाबा, वहाँ पे चल रहा है जी ब्रेकफास्ट, यहाँ चल रहा है जी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलते हैं। मैं खाऊंगा ब्रेड आमलेट, वो भाई वेजिटेरियन है ना वो खाएंगे पराठा, भाजी भी खाओगे पराठा। चलो खा के निकलते हैं। टाइम हो चुका है 8:40 तकरीबन, देख लो आप एक घंटा यहाँ पे बैठे हैं, ब्रेकफास्ट किया था। अब चलते हैं जी आगे, बाइक हो रही है जी वार्म अप, हो गए हैं जी सारे रेडी। अब पता नहीं कहाँ पे कब कैसे ब्रेक लगेगी, ब्रेक फ्रेश भी हो लिया, वॉशरूम वगैरह यूज कर लिया था यहाँ पे। चलिए निकलते हैं आगे के लिए। देखिए दोनों तरफ मोर बने हुए, आपको गणेश जी का निशान बना हुआ है। हर हर महादेव। We'll be right back.
अभी है जी दूसरी टनल। चलो यहाँ पे बने हैं जी हनुमान जी। यहाँ से राइट मनाली, लेफ्ट पीछे छोड़ रहे हैं मंडी। बहुत अच्छा बना हुआ है यार। ब्यूटी हिमाचल में ब्यूटी बहुत है। लैंडस्लाइड रास्ता हो रखा है बंद। रास्ता साफ कर रहे हैं यार। यहाँ पे हाईवे का काम चल रहा है और इस तरह का खाई देखो। सब मिट्टी के रेतीले पहाड़ हैं। पानी देख रहे हो चल रहा है कितना तेज है पानी। ओहो पहाड़ के नीचे से निकल रहा है। पहाड़ है भाई जूस के जाने स्टार्ट हुए असली देखते। यहाँ पे हमने दाल मखनी और जीरा आलू ऑर्डर किए हैं। आते हैं तो फिर खा के यहाँ से निकलते हैं। लोकेशन मस्त है, स्नो मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये बैठे हैं जी सभी राइडर्स, बस लंच का वेट हो रहा है, फिर खा के निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस लंच हो गया डन। यहाँ से केलोंग है 85 पता नहीं 90 किलोमीटर, ढाई से तीन घंटे लगेंगे हमें पहुँचने के लिए। लंच बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है किड्स के लिए या मेरे बड़ों के लिए, एडवेंचर के लिए भी सारे हैं। हॉट एयर बैलून भी है यहाँ पे। अब ना यहाँ से निकलते हैं फटाफट, बोल रहे हैं अभी पहले पेट्रोल डलवाएंगे। मेरे में तो है पेट्रोल 500 रुपये का, डलवा लूँगा तब भी, क्योंकि ऊपर पता नहीं कहते ऊपर ना महंगा मिलेगा। तो ये चलते हैं आगे। क्या ही लाजवाब कृष्णा यार कुदरत का, क्या ही लाजवाब कृष्णा है ना कुदरत का। नीचे देखो नदी बह रही है,
और ऊपर देखो यार, मतलब ना कैमरे जस्टिफाई नहीं कर पाएगा इस व्यू को, जो ये व्यू है ना बिल्कुल मतलब 1% भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कैमरा यार। क्या ही देख लिया मैं, क्या ही देख लिया कहते हैं अभी अटल टनल। वाओ यार, ये भी अलग ही एक्सपीरियंस है। सच में यार सच में जन्नत है। अरे फोटो खिंचवानी है यहाँ, इसको बोलते हैं जी जन्नत, मतलब अलग ही दुनिया है यहाँ। तो अटल टनल के पास वो है अटल टनल, ये खड़ी है जी अपनी राम प्यारी, ये अपने पाजी और राम प्यारी आ गई भाई। कहाँ आ गई राम प्यारी, सबके बताने पड़ेंगे। यहाँ पे बाइक्स के नंबर बताना पड़ेगा भाई, देखता हूँ उतर के। नंबर ही दसने बस PB46। फोर्थ बाइक एक और है PB70H। यहाँ पे बेसिकली एंट्री होती है बाइक्स की। अच्छा फीस भी है, साढ़ा डेवलपमेंट बैरियर फी, टू व्हीलर्स की 50, कार की 200, SUV MUVS की है 300 रुपये, बस ट्रक की 500 रुपये। ठीक है, स्कैनर भी है भाइयों। चले रुको, चलो जी
ऊपर आपको वो धुआं धुआं बादल बादल से दिख रहे हैं, वो स्नोफॉल हो रही है ऊपर ना यार। इस मौसम में मतलब इस मई के महीने में हमें स्नोफॉल देखने को मिल रही है, क्या कुदरत है भाई। चलो भी आगे चलते हैं, 25 किलोमीटर और रहता है केलोंग। तो जी पहुंच चुके हैं जी केलोंग, टाइम हो चुका है 6:59, मतलब कि 7 बज चुके हैं। ये लेह रोड का लास्ट पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, वो सामने लिखा हुआ नेक्स्ट पेट्रोल पंप 330 किलोमीटर अहेड, यानी कि इसके बाद आपको लेह ही जाके पेट्रोल मिलेगा। रास्ते में मिल जाएगा बट वो अच्छा नहीं होता, ब्लैक में मिलता है। अगर आप लेह जा रहे हैं तो याद रखिएगा केलोंग लास्ट पेट्रोल पंप है, आगे इसके बाद 350 किलोमीटर के बाद आएगा पेट्रोल पंप। चलिए चलते हैं होटल की तरफ। ओहो फाइनली गाइस पहुंच गए हैं जी मंजिल पे। चलिए सामान उतारे और अंदर जाके मिलता हूँ आपको। मोनेस्ट्री और क्या क्या है यहाँ पे घूमने के लिए? टाइम हो चुका है रात के 8:15 तकरीबन 1.5 घंटा हो गया हमें यहाँ आए हुए। तब से आए हैं, रेस्ट ही कर रहे हैं क्योंकि 11:30 घंटे बाइक चला के आए हैं। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, थक गए थे बेसिकली। तो अभी कुछ पार्टी वगैरह प्लान कर रहे हैं, बॉनफायर वगैरह जल रही है तो वहाँ पार्टी इंजॉय करते हैं। बाकी इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, कल आपको केलोंग घुमाएंगे, मोनेस्ट्रीज वगैरह कुछ यहाँ पे एक दो तो वो दिखाऊंगा। चलो चलते हैं जी, इंजॉय करते हैं फ्रेंड्स के साथ, इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड। वो भाई आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट करेगा मत देगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, जो आने वाले वीडियोज और ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बहुत जल्द मिलते हैं जी अगले ब्लॉग में, चलिए बाय बाय। Okay.